इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए सलमान मौजूद हैं। सलमान वह युवा हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बातचीत की थी। इसके साथ ही अब आगामी 30 अप्रैल को भी मन की बात कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें इन्हीं सलमान की मोदी जी बातचीत करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। बातचीत कर लेते हैं कि क्या ऐसा कार्य किया है इन्होंने जिसकी वजह से मोदी जी इनसे प्रेरित हैं और इनके बारे में लगातार वार्तालाप कर रहे हैं। सलमान जी, क्या ऐसा काम किया है जिसकी वजह से मोदी जी ने आपसे बात की थी और आज वो इतना प्रेरित हैं आपसे कि आने वाली 30 अप्रैल में भी वो आपसे बातचीत करेंगे या फिर आपके बारे में चर्चा करेंगे? मेरा नाम सलमान है और मैं मुरादाबाद के छोटे से गांव हमीरपुर में रहता हूं। मैं अपने ही गांव में एक डिटर्जेंट बनाने का काम स्टार्ट किया था और स्लीपर बनाने का काम स्टार्ट किया था, जिसमें 50 दिव्यांग लोग काम करते थे। तो इसलिए 2020 में 23 फरवरी 2020 में मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने मन की बात में जिक्र किया था मेरा और मेरी कंपनी का। जी सर। अच्छा, इसके अलावा मोदी जी ने बात कब की थी आपसे मन की बात कार्यक्रम में, कब बात की थी आपसे? 2020 के 23 फरवरी को बात की थी। अच्छा। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जब बात की थी। तो हमारी कंपनी में डिटर्जेंट पाउडर बनता था, जब उन्होंने बात की थी तो 4 गुना तेज़ी से डिमांड बढ़ने लगी थी हमारी प्रोडक्ट की। जी सर। तो क्या ऐसा प्रोडक्ट, मतलब विकलांगों के लिए मुफ्त में दिया था, डिस्काउंट में दिया था, या क्या ऐसी वजह रही थी जो उन्हें रोज़गार दिया था? जो भी मैं अपने आप को देखता था, मैं सोचता था, बोले मैं इतना कमज़ोर हूँ, अपने आप को सोचता था देखते हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों का भी सहारा बनूं और अपना भी काम बढ़ाऊं। तो मैंने अपने जैसे लोगों को काम दिया ताकि भीख मांगने से तो अच्छा है अपना काम करें और रोज़गार मैंने रोज़गार मुहैया कराया सब लोगों को। कितने लोगों को काम दिया था और अब वर्तमान में कितने लोगों को रोज़गार दे रखा है आपने? 30 लोग काम करते थे, अब एक्चुअली में ये है, अभी जो है अभी काम बंद है कुछ पैसे की वजह से, तो इसलिए अभी काम बंद है, अभी कुछ नहीं है। लोगों के फ़ोन आते हैं, काम चालू करो, अभी बात हुई है हमारी डीएम साहब से, देखते हैं क्या होता है अभी। तो जब मोदी जी ने आपसे बात की थी, देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे बात की थी तो कैसा लगा था आपको, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, बोले बहुत अच्छा, यानी डिटर्जेंट के बारे में ही कहा था, हमारी तारीफ़ की थी, गांव की तारीफ़ की थी, बोले एक ये लड़का है सलमान, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, गांव वालों को भी बहुत अच्छा लगा था, और हमारे जो प्रोडक्ट था उसकी भी तेज़ी से डिमांड बढ़ने लगी थी। अगर COVID-19 नहीं लगता तो आज हमारा काम भी चल गया होता और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों को, मेरा टारगेट था 150 दिव्यांगों को रोज़गार देना, दिव्यांग लोगों को। तो अभी देखते हैं क्या होता है, अभी प्रक्रिया जारी है, अभी चल रहा है, जो भी काम स्टार्ट करने की प्रक्रिया पर लगा हुए हैं अभी। अब आगामी 30 अप्रैल को फिर मोदी जी का कार्यक्रम है मन की बात, उसमें आपके बारे में चर्चा की जाएगी, तो क्या उम्मीद लगती है किस बारे में चर्चा की जाएगी, या क्या कोई गिफ्ट मिलने वाला है, या किस तरह की चर्चा की जाएगी आपके बारे में? अभी पता नहीं है, अभी तो ये देखते हैं क्या होता है, अभी कोई ऐसी खबर नहीं है, अभी बस इतना है, लेटर मेरे पास आया हुआ है 25 अप्रैल के लिए दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर लखनऊ जाना है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्या होगा ये, इसके बारे में अभी कोई सोचना नहीं है, सोचना होगी तो। अच्छा, अभी आपका काम डाउन चल रहा है, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है आपको, किस तरह का सहयोग मिल रहा है? ना, अभी कोई सहयोग नहीं है, अभी बात चल रही है, देखो क्या होता है। अभी हम मिल चुके हैं कुछ लोगों से, उन्होंने कहा है करेंगे कुछ ना कुछ। परिवार में किस तरह की खुशी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने आपसे बात की है, अब आने वाली 30 अप्रैल को भी वो एक बार पुनः आपसे बात करेंगे, तो परिवार में किस तरह की खुशी है? ना, बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी है, अगर देश के प्रधानमंत्री हमारे बारे में बात कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा खुशी किस होगी। नाम रोशन वाली बात है। गाँव की, शहर की, एक पुअर फैमिली से हैं। पिता क्या करते हैं? पिता नहीं है, एक्सपायर हो गए 2018 में। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कितनी की है? 12th की है। अच्छा, उसके बाद ये रोज़गार के लिए? जी, ठीक। तो ये सलमान हैं, आप देख सकते हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि मैंने प्रोडक्ट बनाए थे और विकलांगों को रोज़गार दिया था, जिसकी वजह से जो कार्य मोदी जी को बहुत पसंद आया था, उस कार्य से प्रेरित होकर मोदी जी ने उनसे मन की बात कार्यक्रम में बातचीत की थी। इसके अलावा आगामी 30 अप्रैल को भी पुनः मोदी जी इनके बारे में मन की बात कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। पीयूष शर्मा, न्यूज़ 18, मुरादाबाद।